हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे दरोगा का सेट कराया जा रहा है जो आपका अभी फिलहाल में देखा जाए तो आपका मार्क्समैन का चल रहा है और इसमें आप सभी लोग का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सेट कराया जा रहा है आज हम देखेंगे इस वीडियो में दो सौ क्वेश्चन देखेंगे यानी सेट दो देखेंगे हम और आज सभी लोग का सेट नंबर टू और सेट नंबर थ्री होने वाला है तो वीडियो को आप शुरू से अंदर देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कपास का प्रमुख घटक है कपास का प्रमुख घटक है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सेलुलोज क्या हो जाएगा सेलुलोज अगला प्रश्न है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं तो लाइकेन देखा जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक एवं सैवाल से बने होते हैं ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा मार्फिन किससे प्राप्त होती है तो मारफिन आप सभी लोग याद रखिएगा मार्फिन आपका फल से प्राप्त होता है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो ये आपका देखा जाए तो ये आपका देखा जाए तो आपका यानी अधपके फल से होता है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने चिर चिर प्रतिष्ठित वंश वन्स, यानी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया जाता है वो आपका पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर आपका सी हो जाएगा गार्डन पी मटर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जीनोम चित्रण का इनसे संबंध रखता है जीनोम चित्रण से तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जीन्स का चित्रण बी आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी क्रोमोजोम द्वारा क्रोमोजोम द्वारा हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को हम जीन कहते हैं ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि प्लोवन यानी वमान जीन यानी प्लोवन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी बार बार मैक्टिक मैक, मैकली टॉक हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनता है तो कौन सा यौगिक पूछा गया है तो उत्तर आपका बी हो जाएगा यानी टायरोसिन टायरोसिन अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्त्रोत है जैव उर्वरक का स्त्रोत है तो आप सब लोग याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोला क्या हो जाएगा एजोला निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है इनमें से पूछा गया है कि जैविक उर्वरक कौन सा है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एजोला क्या हो जाएगा एजोला अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान हो जाएगा क्या हो जाएगा धान नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान को क्या हो जाएगा धान को अगला प्रश्न है कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है तो ये आपका अच्छा उर्वरक होता है ऑप्शन ए नील हरित सहवाल का ए आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि एजोला बौधुआ जै उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है तो इसका सहचारी है याद रखिएगा नील हरित सहवाल का हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया अगला प्रश्न क्या है कि सोयाबीन में सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए ज़िम्मेदार बैक्टीरिया हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइबोजियम जैपोनिक हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए डीएनए होता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माइट्रोकान्ट्रिया क्या हो जाएगा माइट्रोकान्ट्रिया अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में देखा जाए तो इक्कीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा छियालीस अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की, की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो गुणसूत्र जोड़ी होते हैं वो आपका संख्या पूछा गया है तो याद रखिएगा आपका उत्तर सी हो जाएगा तेईस क्या हो जाएगा तेईस निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छिपकली अगला कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं तो 24 का सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कोशिका भित्ति क्या हो जाएगा कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनु यानी अनुपस्थिति होता है तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति ए आपका पच्चीस का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है तो पावर हाउस देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा माइटोकांड्रिया क्या हो जाएगा माइटोकांड्रिया अगला है कि पीठ पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनहति है सनहति है तो याद रखिएगा सत्ताईस का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंडाशय क्या हो जाएगा अंडाशय प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे तो प्लाज्मा झिल्ली देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से हो जाएगा डी आपका उत्तर हो जाएगा अगला कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो लसिका कोशिकाएं याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तिल्ली क्या हो जाएगा तिल्ली अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम थर्टी देखेंगे कि प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन ए यानी एप, एप्टोसिस ऐप्टोसिस हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा हमारे तंत्र में अधिकतम ए टी को उत्पन्न करने वाला पद पूछा गया है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रैप्स चक्र क्या हो जाएगा क्रैप्स चक्र हमारे शरीर का अधिकतम भार बनता है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो 32 का सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन डी जल का क्या हो जाएगा जल का एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग तो लगभग में देखा जाए तो 33 का उत्तर आपका सी हो जाएगा पैंसठ अगला है कि वैश्य मानव में होती है तो वयस्क मानव में चौंतीस का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दो सौ छः हड्डियाँ सॉरी अस्थियाँ हो जाएगा वही आपका है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो सबसे छोटी हड्डी आप सभी को पता है स्टेपिज होता है जो कान की हड्डी होती है कान के मतलब कान में एक छोटी सी हड्डी होती है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है यानी सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है तो ये आपका जांग में पाया जाता है यानी हमारे शरीर के पैर में पाया जाता है एक सेकेंड ये लघु पूछा गया है ना तो लघु आपका कान में होता ही होता है लघु माने छोटा ही होता है चलिए आगे देखते हैं अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं तो सैंतीस का सही आंसर हो जाएगा आपका याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 28। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो पसलियों को याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बारह अगला प्रश्न है कि देखिए अब वही आ गया आपका कि इसमें बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी पूछा गया है तो पैर की हड्डी याद रखिएगा आपका ठोस होती है यानी बहुत कठोर होती है बहुत मजबूत होती है अगला कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो 40 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा कसेरुक रज्जू में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं तो याद हो जाएगा आप सभी लोग को ऑप्शन बी इकतीस अगला के एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है यानी वो कितना पेशाब निकालता है अपने शरीर से तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका करीबन डेढ़ लीटर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला के प्रत्यक्ष ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं पकड़ते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन्हें हम देखा जाए तो 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं अगला है कि दांतों पर जमी पड़ते जो कठोरता के हिसाब से देखा जाए तो 44 का ऑप्शन आपका आ, डी हो जाएगा भोजन के कड़ थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है इसलिए हमें दर्द नहीं होता है अगला कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है तो ये किसकी आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं तो यह देखा जाए तो आपका आए, बीस यहाँ पे यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं तो बीस आप, आप याद रखिएगा बीस बार नहीं बीस दांत यहाँ पे है अगला कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दृढ़ भाग देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दंत वल्क हो जाएगा अगला कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है तो यह नियंत्रण केंद्र देखा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कसेरकू रज्जू ऑप्शन आपका बी सही आ, सी सही आंसर हो जाएगा मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है तो ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए तो 50 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वाहिनी नली हो जाएगा अगला प्रश्न है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो इक्यावन का उत्तर आपका डी हो जाएगा एक से दो दिनों के लिए ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा अगला है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है तो यह आपका स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कला सिर भ्रूण की शुष्क शुष्कन से रक्षा करती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्व उल्व आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला कि शोषण क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नहीं होता है आपका उत्तर डी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन एक स्वास्थ्य व्यक्ति का हृदय एक मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है तो सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बहत्तर बार अगला प्रश्न है कि रक्त होता है रक्त होता है छप्पन का तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक होता है ए आपका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन क्या है तो हीमोग्लोबिन देखा जाए तो संतावन का उत्तर आपका सी हो जाएगा मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर अंठावन का उत्तर आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा केचुआ क्या हो जाएगा केचुआ? अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन? लाल रक्त कणिकाओं यानी आर का रंग होता है तो आप सभी लोग याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल आपका उत्तर यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा रक्त शरीर में क्या कार्य करता है तो रक्त शरीर में कार्य क्या करता है तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा मनुष्य का औसत रक्तचाप पूछा गया है तो सभी को पता है 120 सौ बटा अस्सी हो जाएगा यानी तिरसठ का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है तो मापक यंत्र याद रखिएगा 64 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा यानी एस्थिग्नो माइनोमीटर हो सके तो मैं ये वीडियो सुबह ही अपलोड कर दूंगा एकदम सुबह जैसे मान के चलिए जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपलोड करूँगा ठीक है अगला प्रश्न है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो वह सामान्यतः उसका रक्त का दाब पूछा गया है तो 65 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बढ़ जाता है क्या होता है बढ़ जाता है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है ऑप्शन बी वायुमंडली दाब से अधिक होता है बी सही आंसर हो जाएगा निम्न रक्त वर्ग त्रिक दाता होता है यानी सर्व यानी यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है तो 67 का आंसर आपका ओ जाएगा, हो जाएगा जो सर्वदाता हो जाए अगला है कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह क्या होगा तो जिसका रक्त समूह याद रखिएगा ऑप्शन आपका कोई भी वर्ग हो जाएगा अगर वो ए बी है तो वो सर्वगाही कहा जाता है उसको किसी से भी वो ले सकता है अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त तो हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान आधार के लिए उपयोग सुरक्षित होगा तो 69 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा ओ आर एच अगला कि रक्त तो समूह खोज किसने किया था तो यह किया गया था कार्लैंड स्टैंड के द्वारा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आर एच कारक का नाम सम्मानित है एक प्रकार के तो एक प्रकार से देखा जाए तो बंदर से सम्मानित है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे कहता है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव और दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन वर्ग का है तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ओ पॉजिटिव ए आपका सही आंसर हो जाएगा यदि एक पिता का रक्त ए यानी वर्ग जो आपका ए ग्रुप का है और माता का ओ बताइए कि उनमें से पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है तो यहाँ पे ओ हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे बात इसके हिसाब से सी उत्तर हो जाएगा किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा तो 74 का सही आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा सात दशमलव तीन पाँच से ले के सात दशमलव चार पाँच हो जाता है सात सात ही होता है अगला है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्र, प्रतिपिंड प्रतिपिंड के निर्माण को उद्धित करता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है तो एंटीजन की मूल विशेषता याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं बी आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा यानी डब्लू बी सी डब्लू बी सी अगला कि सफेद रक्त कण का मुख्य कारक पूछा गया है तो 78 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है सी आपका सही आंसर हो जाएगा रुदिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है तो यह आपका होता है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लिम्फोसाइट से क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट से अगला है कि मानव को श्वेत रक्त कणों डब्लू बी सी का व्यास होता है लगभग तो लगभग में देखा जाए जा तो आपका जीरो दसमलव जीरो जीरो सेवन में हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा रुद्वीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध उपस्थिति को रोग विज्ञान भाषा में कहते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती अस्थि मज्जा में ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा डब्लू बनना तथा आर का विनाश होना तो याद रखिएगा आपका पलिया में होता है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो ये आपका व्यक्त किया जाता है ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा हृदय कब आराम करता है तो हृदय दे, हृदय देखा जाए तो आप सभी लोग का याद रखिएगा ये दो धड़कनों के बीच होता है ये एक सर के देखा जाए तो ये कभी आराम ही नहीं करता है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है तो 87 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टांगों में दर्द हो जाएगा अगला है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं तो ये जो धमनियाँ हैं हृदय धमनियाँ कहलाती हैं ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रीनोज फाइब्रीनोजिन को फाइब्रीन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है तो एटी नाइन का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा थ्रामबीन क्या हो जाएगा थ्रामबीन किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रामबीन का संबंध है तो ये देखा जाए तो आपका रक्त जमा हो जाएगा बी आपका उत्तर हो जाएगा में तो हो, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछा गया है तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत नब्बे होता है आपका डी उत्तर हो जाएगा अगला है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पूछा गया है तो श्वास की गति आपका बढ़ जाती है ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कहता है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है डायलिसिस ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला कि डायलिसिस किससे संबंधित है तो डायलिसिस देखा जाए तो ये आपका वृक्ष से संबंधित है ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा गुर्दा क्या हो जाएगा गुर्दा अगला है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त तो होता है वो आपका पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो जाएगा वृक्ष क्या हो जाएगा वृक्ष जब वृक्ष कार्य करना बंद कर दे तो तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है तो 97 का आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो शरीर में प्रोटीन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से एक सेकेंड नाइन्टी है ना तो नाइन्टी का यहाँ पर डी न होगा रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ होगा नाइन्टी का आपका उत्तर यहाँ पर डी होगा अगला है कि अग्नयाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो डैश करने में मदद करता है तो डैश करने में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त तो में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मानव वृक्त अस्मरी पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है नाइन्टी नाइन का उत्तर आपका सी हो जाएगा कैल्शियम ऑग्जेलेट हो जाएगा सी आपका उत्तर हो जाएगा मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो आपका कैल्शियम ऑगजेलेट की हो जाएगा हंड्रेड का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा अब यहाँ पे हम देखेंगे सेट नंबर टू देखेंगे यानी आगे देखेंगे आज हम 200 तो सौ क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं ठीक है इसमें बोला गया कि है कि एंजाइम है बताइए एंजाइम एक प्रकार से क्या है तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए उत्तर आपका सी हो जाएगा बायो उत्प्रेरक हो जाएगा सी आपका उत्तर हो जाएगा एंजाइम मूलतः क्या है एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम क्या हो जाएगा एंजाइम निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है तो यकृत का कार्य है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यूरिया क्या हो जाएगा यूरिया अगला कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन एंजाइम नहीं है तो पाचन एंजाइम नहीं है तो आपका उत्तर बी हो जाएगा गास्ट्रीन क्या हो जाएगा गैस्ट्रीन अगला कि स्टार्च को जल जलअघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज क्या हो जाएगा एमाइलेज -E अगला कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है तो यह आपका कार्य करता है ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्लों में आपका उत्तर सी हो जाएगा मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है तो आंसर आपका यह हो जाएगा वृहदांत्र हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो क्वेश्चन नंबर नाइन का उत्तर आपका सी हो जाएगा पनीर क्या हो जाएगा पनीर अगला कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो सही आंसर आपका सी ओ टू हो जाएगा उत्तर आपका बी हो जाएगा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौ, आ, किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषित यानी अवशोषण होता है तो याद रखिएगा नीला और लाल हो जाएगा ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह आपका दिन में अथवा रात्रि में होता है ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि पौधे व पेड़ों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है तो क्वेश्चन नंबर चौदह का उत्तर आपका डी हो जाएगा यानी फोटो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश प्रकाश है तो ये आपका है नीला प्रकाश ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पणहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नीला अगला प्रश्न क्या है कहते हैं कृत्रिम प्रकाश कृत्रिम प्रकाश तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है तो आप ये सभी लोग याद रखिएगा उन्नीस का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा तो आपका उत्तर ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण बी आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कैसीमिर फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था यह आविष्कार किया गया था विटामिन का क्या हो जाएगा विटामिन का अगला के विटाम्स क्या होते हैं बताइए विटामिन जो हैं क्या होते हैं तो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा ट्वेंटी टू का आपका ए उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो आवश्यक नहीं है तो आंसर आपका यहाँ पे सोडियम हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का ए आपका सही आंसर हो जाएगा भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो आंसर आपका बी हो जाएगा वसा में क्या हो जाएगा वसा में अगला के विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है तो ट्वेंटी फाइव का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी क्या हो जाएगा विटामिन सी अगला कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कच्चे एवं ताज़े फल ये आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत पूछा गया है तो सत्ताईस का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंवला क्या हो जाएगा आंवला अगला है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो सर्वाधिक आपका यहाँ पे 28 का हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका संतरा हो जाएगा नहीं सीधे तो आपका आंवला में ही होता है अगला कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो सभी को पता होना चाहिए विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या होता है तो आपका स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा इसकार्बिक एसिड होता है अगला कि विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्त्रोत पूछा गया है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से आपका तीस का उत्तर आपका संतरा ही हो जाएगा अगला कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है तो घाव को भरने के लिए आपका विटामिन सी ही होता है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्बी रोग के इलाज में उपयोग होता है तो स्कर्बी रोग के इलाज में आपका आंवला हो जाएगा जो कि आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से थूक सॉरी माफ कीजिएगा खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के याद रखिएगा विटामिन के रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है तो चौंतीस का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के विटामिन के अगला विटामिन डी का स्रोत पूछा गया है तो विटामिन डी जो है सबसे अच्छा देखा जाए तो आपका सूर्य के किरण में मिलता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है तो सूर्य के किरणों में आपका विटामिन डी ही मिलता है भूलिएगा नहीं विटामिन डी की अल्प्यता से होता है कौन सा रोग अगर विटामिन डी का कमी हो जाए तो आपका यहाँ पर रिकेट्स जैसा रोग देखने को मिलता है ये आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है तो विटामिन डी में देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है तो रतौंधि भूलिएगा नहीं थर्टी नाइन का आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विटामिन के विटामिन अग, अग, ए अगर कमी है तो आपको रतौंधी होने लगेगा याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर तो यह आपका संचित रहता है यकृत में कहाँ पर यकृत में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है विटामिन तो ए की मात्रा याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गाजर क्या हो जाएगा गाजर निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमारे शरीर में नहीं होता है तो आपका उत्तर 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए विटामिन ए अगला है कि साइनो मीन है साइनो मीन क्या है तो याद रखिएगा एक प्रकार से आपका विटामिन बी बारह हो जाएगा कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा आपका विटामिन है और कौन सा क्या है तो ऑप्शन आपका इस तरीके से यानी आपका रासायनिक नाम लिखा होगा तो आप सब लोग रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा भूलिएगा नहीं जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो आपका पूछा गया है तो कोबाल्ट आप सभी को पता ही होगा चौवालिस का सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी बारह थाइमिन है तो थायमिन एक प्रकार से देखा जाए तो विटामिन बी वन हो जाएगा डी आपका उत्तर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है तो याद रखिएगा जल में जल में आपका फोर्टी सिक्स है ना तो 46 का आपका यहाँ पे आ, बी हो जाएगा देखिए जल में आपका विटामिन बी और सी बी सी के छोड़ करके बाकी जितना भी आपका विटामिन सब वसा में घुलनशील है बाकी आपका बी और सी सब आपका जल में घुलनशील है अगला है कि निम्नलिखित तो में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है यानी जल में तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा याद रखिएगा विटामिन बी अगला है कि एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्बी की बीमारी हो होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका विटामिन बी वन डी और सी हो जाएगा अगला है कि केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति सौ ग्राम में होता है तो कैलोरी पूछा गया है तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऊर्जा की उन्यासी नवासी है नवासी है 89. अगला कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन मिलता है अगर आप सोयाबीन खाते हैं तो या फिर बीज खाते हैं चना में भिगो करके सुबह के टाइम तो उसमें भी अच्छा खासा आपका प्रोटीन मिल जाता है गेहूं में रोटी बनाने के गुड़ों को प्रभावित करने वाला पदार्थ पूछा गया है तो फिफ्टी का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ग्लूटीन अगला कि प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है तो प्रचुरता देखा जाए तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा मूँगफली में क्या हो जाएगा मूँगफली में अगला प्रश्न क्या है कि एक कठोर परिश्रम परिश्रमण परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार हजार किलो कैलोरी हो जाएगा अगला कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है तो फिफ्टी फोर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता चार, के बीच जो तत्व तो सं, संतुलन बनाए रखता है वो आपका पूछा गया है तो आंसर आपका ये हो जाएगा फास्फोरस क्या हो जाएगा फास्फोरस निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आंसर आपका ये हो जाएगा जामुन क्या हो जाएगा जामुन पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन क्या हो जाएगा आयरन निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है तो लौह का सबसे अच्छा स्रोत के ऑप्शन के हिसाब से आपका पालक ही हो जाता है सबसे अच्छा आयरन इसमें मिलता है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ में तो 59 का सही आंसर आपका हरी सब्जियों में सी आपका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है तो दूध में मिठास आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोज क्या हो जाएगा लैक्टोज चलिए आगे देखते हैं दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है दूध जो है आपका देखा जाए तो आपका कौन सा बैक्टीरिया कर तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है तो ये आपका होता है ऑप्शन आपका 62 का देखा जाए तो बैक्टीरिया के कारण होता है ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसके कारण होता है तो ये आपका होता है किसके कारण याद रखिएगा कैरोटीन के कारण ही होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं तो 64 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा याद रखिएगा आठ वर्ष आठ वर्ष अगला है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रेनिन क्या हो जाएगा रेनिन कैसिन दुग्ध होता है या फिर होती है तो एक प्रकार से आपका प्रोटीन ही होता है ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो 67 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कैसिन अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है तो दूध में देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा कैसिन क्या हो जाएगा कैसिन अगला है कि शरीर में उतकों का निर्माण होता है तो शरीर में उतकों का निर्माण होता है ऑप्शन सी प्रोटीन से क्या हो जाएगा प्रोटीन से मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का उत्तर आपका सी हो जाएगा प्रोटीन क्या हो जाएगा प्रोटीन पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है तो पपीता में देखा जाए तो एक प्रकार से विटामिन सी ही पाया जाता है ऑप्शन आपका सेवेंटी वन का बी उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दूध अगला कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो ये आपका संपन्न होता है छोटी आँत में कहाँ पर छोटी आँत अगला कि अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो तो ये आपका प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थिति उपस्थित है आपका उत्तर भी हो जाएगा सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा पूछा गया है तो सेवेंटी फाइव का उत्तर आपका डी हो जाएगा पैंतालीस ग्राम दूध दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो सेवेंटी सिक्स का आंसर आपका सी हो जाएगा सत्तर ग्राम क्या हो जाएगा सत्तर ग्राम लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है तो ये आपका उत्तर यह हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च हो जाएगा स्टार्च निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है तो ये कौन सी विटामिन को तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा याद रखिएगा डी और ऑप्शन डी और विटामिन डी विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सी फेराल क्या हो जाएगा कैल्सी फेराल प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम पूछा गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा ट्रिप्सिन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्त्रोत है तो अलसी देखा जाए तो विटामिन सी का एक प्रचुर स्त्रोत है ऑप्शन आपका एट्टी वन का ए उत्तर हो जाएगा अगला कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है तो एट्टी टू का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन एट्टी टू का ए हो जाएगा सेवन पॉइंट टू परसेंट ए आपका उत्तर हो जाएगा अगला कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तंत्रों तत्वों में सम्मिलित है तो एटी का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा याद रखिएगा बी हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम हो जाएगा अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में त्वचा त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का मान करती है अवरोधक का काम करती है तो याद रखिएगा शरीर की उष्मा का क्षय हो जाएगा ए आपका उत्तर हो जाएगा अधिकांश प्राणियों के जीवन जीवन पदार्थ का लगभग 80 परसेंट पदार्थ है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रोटीन क्या हो जाएगा प्रोटीन अगला प्रश्न है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्य कर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है क्योंकि मछली में होता है ऑप्शन ए बहु असंतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा ए आपका उत्तर हो जाएगा अगर अग्न्याशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा अगर अग्न्याशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा तो याद रखिएगा इंसुलिन और ग्लू का गॉन नहीं बनेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अग्नशय को पाचक पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिक्रिटीन हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्रिटीन अगला कि मधुसूदनी अंत स्त्राव एक हार्मोन एक तरीके से पूछा गया है तो 89 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पेप्टाइड है क्या हो जाएगा पेप्टाइड अगला प्रश्न क्या है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोन में से किसके आ, किसके मोचन को प्रेरित करता है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है तो कौन सा एक प्रोटीन नहीं है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन अगला है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावर नहीं इस्ट्रावर करती है तो 92 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है ये लगाया जाता है आपका ऑक्सीटोसिन का जैसे कोई अगर गाय भैंस बेचना होता है तो क्या कि एक दिन पहले वो इंजेक्शन लगा देता है उससे क्या है कि गाय का दूध या फिर भैंस का दूध बढ़ जाता है तो दो चार लीटर जो भी उन लोग का अनुमान वगैरह होता है तो ये ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है जो कि गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए थाइराक्सिन क्या है तो थाइराक्सिन देखा जाए तो एक प्रकार से क्या होता है याद रखिएगा हार्मोन ही होता है बे आपका उत्तर हो जाएगा अगला कि आयोडीन युक्त हार्मोन थाइराक्सिन है तो 95 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक अमीनो अम्ल हो जाएगा अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायराक्सीन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतस्त्रावी हारमोन कौन सी है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यह हो जाएगा टी एस एच हो जाएगा निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए e थारॉक्सिन क्या हो जाएगा थाइराक्सिन कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है तो ये आपका कौन सा है तो आपका एल्ट्रीनेलिन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा किस हार्मोन के स्त्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एल्ट्रीनेलिन अगला और आखिरी प्रश्न कि आयोडीन युक्त तो हार्मोन पूछा गया है तो याद रखिएगा थाराक्सीन हो जाएगा ए आपका उत्तर हो जाएगा तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो आ, दो सौ क्वेश्चन समाप्त हो गया अगर आप यहाँ तक तो पहुँच पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे और अपना आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं आपका कमेंट देखा जाता है चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम